वहीं झांसी में राज्य कर विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के माध्यम से टैक्स में बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली है। 5000 व्यापारी 6 साल पहले जो टैक्स अदा करते हैं अब उससे बेहद कम टैक्स दे रहे हैं। इन सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर 6 साल पहले दाखिल किए गए रिटर्न का हिसाब मांगा गया है। साथ ही साथ कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया कर अदा करने की भी चेतावनी दी गई है। इससे झांसी के व्यापारियों में खलबली मची हुई है। वहीं अपर आयुक्त राज्य कर धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि झांसी जिले में 2000 और झांसी जोन में 5000 व्यापारियों समेत अन्य व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में झांसी जोन में एआई मॉड्यूल के बेसिस पर तथा व्यापारियों के जो डेटा उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैच कराते हुए नोटिस जारी की गई हैं, जिसमें से झांसी जनपद के लिए अब फर्दर एक्शन के लिए जो नोटिसें जारी की गई हैं उसमें से 2039 नोटिसें जारी की गई हैं, और जालौन के लिए 777 और ललितपुर के लिए 507 नोटिसें जारी की गई हैं। इस प्रकार झांसी रेंज के लिए 3323 नोटिसें जारी की गई हैं। बाकी झांसी जोन में बांदा रेंज भी आता है, तो बांदा रेंज के 4 जनपदों को मिला करके लगभग 2300 के आसपास नोटिसें जारी की गई हैं। इस बार पूरे झांसी रेंज में जोन में 5000 प्लस नोटिसें जारी की गई हैं, और इनका जवाब आ जाएगा तो जो जवाब के अनुसार उनका जो स्पष्टीकरण होगा उसके आधार पर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी प्रॉपर ऑफिसर जिनको कहते हैं वो निर्णय लेंगे। वहीं झांसी में गुलारा सीडब्ल्यूआर में गंदगी देखकर डीएम अविनाश कुमार ने नाराजगी जताई है। इस दौरान कहा कि रनगुआ पेयजल योजना में जलापूर्ति चालू नहीं होती तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। वहीं डीएम अविनाश कुमार ने जल जीवन मिशन के तहत गुलारा ग्राम समूह पेयजल परियोजना का निरीक्षण भी किया। सीडब्ल्यूआर में गंदगी देखकर डीएम बिफर पड़े और तत्काल प्रभाव से गंदगी साफ करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक घरों में पेयजल आपूर्ति न होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पूर्ण क्षमता से पेयजल आपूर्ति चालू करते हुए पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करें ताकि सभी घरों में पानी पहुंचाया जा सके। साथ ही ये भी कहा कि परियोजनाओं का कार्य समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाए ताकि गर्मी के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न न होने पाए।